ओके सो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास कैरेक्टर कंप्लीट मौजूद है, उसकी बोन्स मौजूद हैं और हमने स्किनिंग कर दी। इसके रिग क्रिएट करने के लिए वी विल बी यूजिंग ह्यूमन आई के माया का बिल्ट इन फीचर, और बाकी के जितने आपने कैरेक्टर्स मॉडल करके उसको बोन्स अटैच कर दिए तो उनके साथ आपको यही प्रोसेस अभी फॉलो करना पड़ेगा। तो वी हैव अ कैरेक्टर, उसके रिग बोन्स बनी हुई हैं और हमने स्किन कर दिया। वी गो इन टू विंडो सॉरी रिगिंग मेन्यू, रिगिंग में जाके स्केलेटन ह्यूमन आई के, हमने ह्यूमन आई के उठाया। ठीक है, अब ये मेरे पास 2016 है, इफ़ यू आर यूजिंग 2017 उसमें ऑटो रिग का फीचर आ जाता है। उनमें चाहे मॉडल आपने ला के रखा उसको रिग बताया तो खुद ही सारा कैरेक्टर रिग करके आपको दे देगा, ऑटो रिग एक ही बटन से कर देता है। 17 में नया फीचर है, 16 में जब हम ह्यूमन आईके के अंदर जाते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो है वो दो से तीन चीज़ें आ जाती हैं। चलो ठीक, सो इफ़ यू आर यूजिंग माया 2016 तो उसमें अगर आपके पास बोन्स नहीं बनी, हमने मॉडल पूरा कंप्लीट कर दिया, वी कैन गो एंड क्रिएट स्केलेटन। वंस यू क्रिएट स्केलेटन हियर तो वो पूरी बोन्स आपको बना के दे देगा। ठीक है, बोन्स बनकर आपके पूरी बॉडी के सबसे बाइपेड स्केलेटन आ जाएगा हमारे पास। उसको फिर हमने मॉडल को और ज्योमेट्री को सेलेक्ट करना है और स्किनिंग में जाना है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, वी यूज अ बाइंड स्किन ऑप्शन टू बाइंड द ज्योमेट्री एंड स्किन टुगेदर। यहाँ तक हमने भी इसमें प्रोसेस किया हुआ है कि मैंने स्केलेटन बनाया हुआ है और उसको बाइंड स्किन कर दिया। ठीक है, अभी रिगिंग नहीं की क्योंकि मैं ह्यूमन आईके की रिग पूरी यूज करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपने मॉडल अपना बनाया हुआ है उसको रिग करने का अभी 16 में क्विकेस्ट मेथड यही है हमारे पास कि वी क्रिएट अ स्केलेटन, ऑटोमेटिकली पूरी जॉइंट्स बन के आ जाएंगे, उसको बॉडी के हिसाब से एडजस्ट किया और हमने स्किन कर दिया। ठीक है, बाइंड स्किन मेथड में आके हम इसको स्किन बाइंड स्किन कर देते हैं। फॉर नाउ ये स्टेप हमने यहाँ तक कर दिया है, पर इसमें जो मैंने बोन्स बनाई है दरअसल उसको अपने हिसाब से बनाया हुआ है, मैंने इस स्केलेटन से नहीं बनाया हुआ। तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि जब आप कंट्रोल रिग क्रिएट करने जाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि यार क्या किया। फॉर एग्जाम्पल ये बोन्स मैंने खुद से अपनी मर्जी से बनाई है, मैंने इसका ऑटो स्केलेटन यूज़ नहीं किया। ठीक, उस हिसाब से मैंने इसका नाम भी अपना दिया। अब जब आप इसके कंट्रोल रिग पे क्लिक किया तो ये मुझसे पूछने लगा कि यार एक स्केलेटन डेफिनेशन मौजूद नहीं है, इसको दरअसल नाम और एक्चुअल डेफिनेशन चाहिए कि यार आपके स्केलेटन कैसे बना हुआ है। जब हम क्रिएट स्केलेटन करते हैं तो ये खुद ही बना देता है, उसको फिर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप अपना स्केलेटन बना रहे हो उसको अपने नेम दे रहे हो तो माया को नहीं पता चलेगा। अब माया ने आपको एक एरर दे दिया कि भाई मुझे जो डेफिनेशन चाहिए वो है ही नहीं, तो इसका मतलब या तो स्केलेटन मौजूद नहीं है तो क्या मैं स्केलेटन क्रिएट करूँ। ठीक, पर हमारे पास स्केलेटन मौजूद है तो फिर इसने एक और ऑप्शन दिया डिफाइन का। क्या ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा, हो सकता है मैं गलत हो गया हूँ, तो आप डिफाइन कर दो। तो वंस यू डू दैट, आपके पास अगर स्केलेटन बोन्स हमने अभी तक बना दी, स्किनिंग कर दी, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो इनटू डिफाइन, क्लिक ऑन डिफाइन, तो एक विंडो आपके पास डेफिनेशन के यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आने के बाद बहुत सिंपल स्टेप ये है कि इफ आई गो इनटू बोन्स, अभी मेरी बोन्स बहुत साइज छोटी हो गई है, आई कैन गो इनटू डिस्प्ले एनिमेशन ज्वाइंट साइज। ठीक, डिस्प्ले में गए, एनिमेशन में गए, ज्वाइंट साइज, यहाँ पे एक्चुअली इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये सिर्फ विजुअल है, एक्चुअल में इसका कोई असर असर नहीं पड़ेगा, स्केलिंग नहीं है, ये ज्वाइंट की साइज विजुअली थोड़ा हमने बड़ी कर दी ताकि मुझे देखने में जरा सा आसानी हो जाए, हमने कह दिया। ठीक, उसके बाद अब मुझे एक्चुअली बताना है कि माया को ये बोन्स चाहिए, मुझे इसको बताना है कि मेरी मॉडल में ये बोन्स कहाँ मौजूद है, मैप करना है। सिर्फ मैप करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ हिप बोन से, डबल क्लिक किया इस पर, जो इस पर डबल क्लिक किया तो दिस बिकम्स ग्रे आउट, बाकी सब ग्रे हो गया, सिर्फ ये बोन सिलेक्टेड है और मुझे अब सेलेक्ट करके बताना है कि ये वाली बोन है। जो इस पर क्लिक किया ये ग्रीन हो गया, मीन्स कनेक्शन हो गया। इसी तरह से स्पाइन डबल क्लिक किया और स्पाइन बोन सेलेक्ट की, ग्रीन हो गया, कनेक्शन स्टैब्लिश। इसी तरह से बाकी स्पाइंस के लिए एरो पे क्लिक करेंगे हम, क्योंकि उसको नहीं पता आपने और कितनी स्पाइंस दी हैं, 2, 3, 4, 8, 50 दे सकते हैं, तो उसने रैंडम नंबर दे दिए। तो मैं स्पाइन 1 पे गया और फिर मैंने इस स्पाइन को सेलेक्ट किया, ये भी ग्रीन। स्पाइन 2 पे गए तो मैंने इस स्पाइन को सेलेक्ट किया। अब बस सिर्फ ये मैपिंग करनी है और कुछ भी नहीं है रेक करने के लिए। वंस यू हैव द बोन्स आपको सिर्फ मैप करना है। अगर आपने बोन्स माया की अपनी बनाई है वो खुद ही कर देगा, मैपिंग करने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपनी बनाई हुई, इन आवर केस हमने अपनी बोन्स बनाई है, तो हमें सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। फिर आप एरो पे क्लिक किया, वापस आ गए। इसी तरह से मैं आ जाऊंगा, मैंने कहा यार मुझे शोल्डर चाहिए, तो सबसे पहले शोल्डर बोन इस पर क्लिक किया, सॉरी नॉट दिस वन, हाँ दिस वन डन हो गया। ठीक, तो शोल्डर बोन बन गई, सॉरी ये कॉलर बोन बनी, ये जो एरो है ये कॉलर बोन के लिए, तो ये वाला हमारे पास यहाँ का बोन है। उसके बाद दिस इज इनफैक्ट शोल्डर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला। तो इस बोन को डबल क्लिक किया, सब ग्रे आउट हो गए, डबल क्लिक से हमने सेलेक्ट किया। एल्बो पे डबल क्लिक किया, इस पर सेलेक्ट किया, ग्रे आउट हो गया। एक और चीज़ नोट करो, क्योंकि हमने बोन्स को हायरार्की में सही से बनाया हुआ है, एक्स वाई के हिसाब से बिल्कुल सेंटर पर हमने रखा था, तो उस वजह से जब आप लेफ्ट करोगे तो राइट ऑटोमेटिकली होता जा रहा है।
तो या आप राइट करो तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये चीज़ हमारी बैलेंस आउट हो जाती है। तो मीन सी चीज़ हमें एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, रिस्ट पे डबल क्लिक किया सब ग्रे आउट हो गया, मेक श्योर ग्रे आउट हो, आपने रिस्ट सेलेक्ट की कनेक्शन हो गया। इसी तरह से हर फिंगर के अंदर जाएंगे, फिंगर के लिए हैंड एरो पे क्लिक किया और ये मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड होगा ये वाला, ठीक। तो थंबनेल पे गए वेरी क्विकली, इसको सेलेक्ट किया डबल क्लिक, दिस वन डबल क्लिक, और इस वाली को सेलेक्ट किया डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक, इसको। अब ये थोड़ी सी फॉरिक आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, ठीक है, एक दफ़ा की। और इसी तरह से डबल क्लिक इसको, अरे यार कैंसिल सॉरी, ये वाली बोन दरअसल, डबल क्लिक इस वाली बोन को, डबल क्लिक इस वाली बोन को, ठीक है। इसी तरह से डबल क्लिक इस वाली बोन को, होपफुली हायरार्की अगर हमारी सही बनी हुई है तो राइट एंड लेफ्ट, अगर मैं राइट लेफ्ट कर रहा हूँ तो राइट ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ से ग्रीन में इंडिकेट कर रहा है, उसको राइट भी मिल गया सवाए इस अंगूठे वाली फिंगर के, इसको नहीं मिला, ये रेड रहा, ठीक है। सीधे ये रेड मिला तो मुझे पता चला, बाकी सब ग्रीन हुआ। इस भाईजान को चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये सही है, ये क्यों नहीं सही। इसको डबल क्लिक करके इसके अंगूठे को आके मैं सेलेक्ट करता हूँ, सही तो है। वन और मोर नोड्स आर मिसिंग इन द राइट हैंड थंब, नोड राइट हैंड थंब इज सेट बट नॉट नोड राइट हैंड थंब टू। अच्छा, उसने कहा कि आपने राइट हैंड टू को नहीं किया, यस अब सही हो गया, ठीक है। बीच में शायद कोई नोड में से हो, ठीक, हाथ भी ग्रीन हो गया, सॉरी पिंक कलर होना नहीं चाहिए, हो गया तो मतलब हम गड़बड़ किए, ग्रीन कलर है सेफ, ठीक, सब बोन्स ग्रीन कलर में आ गई। इसी तरह से इस चचा जान का हम नेक को उठा लेते हैं, नेक का बेस उठाया मैंने, नेक का बेस और नेक का सेकंड बेस यहाँ तक, अपैरो हेड का बेस मैंने इसको कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से लेग्स पे राइट लेग, राइट नी, और ये आपका फुट आया, ठीक है। अब क्योंकि पाँव की उंगलियों हमने नहीं बनाई हुई तो वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट, इफ़ यू वांट टू गो तो आप पाँव की उंगलियों पे बना सकते हो। फिलहाल इतना खफा हमने वैसे ही नहीं किया था क्योंकि उसने शूज़ पहने हुए, तो ये हमने बेसिकली रिग डिफाइन कर दी। अब आप क्या करोगे, डिसलेक्ट किया, मैं किसी भी बोन पर सेलेक्ट करूंगा, देखो उसकी बोन सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट लेग लेफ्ट राइट, ये सिलेक्शन हमारी। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ज्वाइंट हमारे सेलेक्ट हो, वंस वी डू दिस डेफिनेशन नाउ इट इज ऑल कम्प्लीट। अब सिर्फ हमें क्लिक करना है मेरे भाई क्रिएट, इस ब्लू डॉट पे क्रिएट पे गए, कंट्रोल रिग जो पहले हमने किया था इसने डिफाइन कर दिया था, अब हम कंट्रोल रिग पे जाएंगे तो होपफुली अगर एवरीथिंग इज ओके तो हमें कोई एरर नहीं देगा और हमें कंट्रोल रिग वो ऑटोमेटिकली पूरी बना के दे दीजिए। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज आइदर आप इसकी कंट्रोल रिग को सेलेक्ट करो या इसी में इसने जीवाई विंडो एक छोटी सी दे दी, सेलेक्ट दिस विंडो डब्ल्यू फॉर एग्जाम्पल एंड देन यू कैन मूव दिस गाय, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बोन्स नहीं देखनी तो मैं शो में गया, ज्वाइंट्स हाइड हो जाए, शो में गए नर्व्स के कर्व हाइड हो गए, शो आई के हैंडल्स और ये बाकी क्या कचरा है यार, सॉरी ज्वाइंट्स, ठीक है। तो अब मेरे पास ज्वाइंट्स हाइड हो गए, आई विल यूज दिस जी वाई टू सेलेक्ट द कैरेक्टर, ठीक है। तो मैंने हाथ को क्लिक किया, हाथ आ गया, अब मैं हाथ को अपनी मर्जी से, अब यहाँ पे सीन बड़ा साफ सुथरा है, मैं अपनी मर्जी से इसको हटा सकता हूँ, हेलो ड्रोम। अच्छा, अब ये जो हो रहा है इसको हम एक्चुअली कहते हैं फुल बॉडी आई के, फुल बॉडी आई के का मतलब ये कि मैं हाथ को हिला रहा हूँ तो नेचुरली हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है। बाय डिफॉल्ट पहले जो हमने रिग्स पे काम किया था वो सिर्फ नॉर्मल थी, वो हाथ के आई के था कि आप हाथ के पैर चाइल्ड को मूव कर रहे हो तो सिर्फ हाथ मूव हो रहा है, पूरी बॉडी वहीं की वहीं है, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फुल बॉडी आई के का, इसको मैंने क्लिक कर दिया, अनचेक, इस पर चेक किया। अब इफ़ यू सी ओनली हैंड इज मूविंग, फॉर सम केस कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं चाह रहा यार पूरी बॉडी झुक कर आ रही है, मैं सिर्फ हाथ को झुकाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा, नाउ ओनली हैंड इज मूविंग। वेयर एज एट सर्टन टाइम्स मैं कह रहा हूँ नहीं यार पूरी बॉडी हो, तो इस यहाँ पे इस वाले गुड्डे पे क्लिक किया एंड नाउ यू कैन सी दिस कि मेरी पूरी बॉडी। अब अगर मुझे इसको एक्सरसाइज करवाना है तो सी दिस ऑटोमेटिकली स्पाइन और हेड और हर चीज़ें जो हैं सब एडजस्ट हो रही है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल नमाज की एनिमेशन बना रहे हो, वजू की बना रहे हो, तो आपको बड़ी आसानी होगी क्योंकि आप सिर्फ हाथ को नीचे लाओगे तो ऑलमोस्ट पोज एक्यूरेट हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली हम इसके बाकी कंट्रोल्स में जा सकते हैं कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये देखो बड़ा अच्छा एनिमेशन हो गया कि हाथ बॉडी, सिर्फ एक मैंने चेस्ट को पकड़ा है, मेरी बॉडी सारी एडजस्ट हो रही है, ठीक है। मैं इसको बड़े मज़े से कंट्रोल कर सकते हैं, हम रोटेट कर सकते हैं एंड वी कैन डू वट एवर ऑपरेशन वी वॉन्ट इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। तो ये मेरे पास गुड रेखा का सिंपल रास्ता है, बस इतना स्टेप आपको करना है। ज्योमेट्री इंपोर्ट की, अगर स्केलेटन इसका यूज़ कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है,
स्केलेटन अपना कर दिया, तब भी इशू नहीं, सिर्फ डिफाइन का 5 मिनट का काम है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो डिफाइन में जाके आपको बोन्स को मैच करना है कि रूट कौन सी है, हिप कौन सी है, स्पाइन कौन सी है। बस उसमें जब हम ख्याल रखते हैं कि ये जो स्पाइन है वो 1-2 शुरू से स्टार्ट करो, बीच में से करोगे तो गैप आ जाएगा। हायरार्की बेसिकली मेंटेन करनी है, तो हायरार्की का मतलब ये स्पाइन, दूसरा स्पाइन बेस, पहले पहली स्पाइन की बोन आ जाएगी हमारे पास। इफ आई शो द जॉइंट्स अगेन, तो ये रूट आ गया, ये पहली पहली स्पाइन की बोन, फिर नेक्स्ट बोन से उसने कहा यार एरो में जाओ, फिर नेक्स्ट बोन भी हमने पहली दूसरी, यहाँ पे डायरेक्ट आप थर्ड पे जाओगे तो एरर दे देगा यार ये, सॉरी हाँ यहीं पे यही प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आपने ये गैप हायरार्की मिस की ना तो प्रॉब्लम आ जाएगा। यही हायरार्की एक्चुअली आपको नेक में भी ले जाएगी, नेक की भी पहली बोन, गलती से हमने आखिरी बोन सेलेक्ट कर दी तो उसने बोला यार पहली है नहीं, आखिरी कैसे जा रही है, क्योंकि ये हायरार्की फॉलो कर रहा है चेन को, तो वही चेन आपको यहाँ से फॉलो करनी है। डबल क्लिक एरो पे बोन को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक मीन्स कि आप इस पर कोई चीज असाइन कर रहे हो, सिंगल क्लिक मीन्स आप उस बोन को सेलेक्ट कर रहे हो। तो मैंने सिंगल क्लिक पे गया तो वो बोन सेलेक्ट हो रही है, जब इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो नाउ इट मीन्स कि मैं असाइनमेंट करने जा रहा हूँ। पर अभी ऑब्वियसली उसने कहा यार ये तो सारा आप कर चुके हो, कैरेक्टराइजेशन हो चुकी है, तो आप फिर भी असाइन करना चाह रहे हो, फिलहाल नहीं करो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने गलत कर दी और रिग मुझे लग रहा है यार तो सही मूव नहीं हो रही है, आई कैन कम इन टू दिस ब्लू डॉट और यहाँ पे एडिट आई थिंक कंट्रोल्स और फिर डिलीट, तो जो रिग आपने बनाई वो डिलीट हो जाएगी, ताकि वापस डेफिनेशन में जाऊँ, वहाँ पे मैं करेक्शन करूँ और फिर दोबारा रिग पे क्लिक करूँगा दोबारा बन जाएगी। रिग बनना एक सेकंड का काम है अगर बोन्स आपकी सही से डिफाइन की हुई, डेफिनेशन सही है तो फिर आपका अला खयाला करें हर चीज़ है। ठीक, इसमें मुझे फिर एनिमेट करना बड़ा आसान लगता है, बिल्ट इन एक जबरदस्त फीचर है। शो में गए मैं जॉइंट्स वॉइंट्स हाइड कर लेता हूँ, तो अभी सीन मेरा अनक्लटर्ड है, तो मैं बड़ी मजे से उसको सेलेक्ट करके देख रहा हूँ कि यार बंदा कहाँ जा रहा है, कौन सा कंट्रोल सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर रिग में आ गया एंड आई कैन वेरी इजिली सेलेक्ट दैट एंड आई कैन मूव दैट। फिर मैं इसको उठा के बिगाड़ भी सकते हैं पूरा, शिफ्ट दबा के आप मल्टीपल कंट्रोल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको उठाया, मैंने इसको कहा यार ये जो टांग है इधर हो जाए, ये जो रिग है ये टांग इधर चली गई, इस वाले कंट्रोल की टांग इधर चली गई, ठीक है। ये वो ऑटोमेटिकली बॉडी को एडजस्ट कर रहा है अपने हिसाब से, और आपने अगर इसका पोज गलत कर दिया ये तबाह हो गया बेचारा। मैंने कहा यार अब इसको रीसेट करना है, तो यहीं पे एक छोटा सा गुड्डा उड्डा इधर बना होगा ये वाला, ठीक ये गुड्डा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टांस पोज, डिफॉल्ट पोज मीन्स इस पर क्लिक किया बच्चा वापस से आपने नॉर्मल में चला। तो अगर गड़बड़ भी हो गई स्टांस पोज किया की फ्रेम सेट। दूसरा फिर इस रिग का एक और एडवांटेज आपको मिलेगा जब हम एनिमेशन पे जाएंगे, तो मैंने 1 फ्रेम पे सेट किया, मैंने यार फर्स्ट पोज इसका हाथ नीचे कर दिया, सेकंड पोज इसका हाथ उठाया और हमने हाथ को नीचे कर दिया, ठीक है। गर्दन को सेलेक्ट किया और गर्दन को हमने यूं कर दिया, और पाँव में गए एंड डब्ल्यू, मैंने पाँव को इधर से सेट किया, इस पाँव को थोड़ा सा, ठीक ये बंदा अपने एक पोज में आ गया, वेरी नाइस। 1 पे गया मैंने एस प्रेस कर दिया, जो ही मैंने एस प्रेस किया तो माया को पता है कि आप कैरेक्टर पे काम कर रहे हो, उसने तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर की फ्रेम सेट कर दी। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। प्रीवियस एक क्लास में मैंने भी ट्यूटोरियल भी अपलोड किया था, उसमें हमने स्क्रिप्ट्स बनाए थे। अगर आप अपनी रिग क्रिएट कर रहे हो तो फिर मुझे स्क्रिप्ट बनाने पड़ते हैं, वरना हर कंट्रोल को सेलेक्ट करके की फ्रेम सेट करो, हर को सेलेक्ट करो तो फारी जाती। यहाँ पे समझो स्क्रिप्ट ऑटो बना हुआ। अब मैंने किसी पाँव को सेलेक्ट किया, एस प्रेस किया, बन गया। फिर फॉर एग्जांपल मैं 12 फ्रेम पर आया, 12 सेकंड की साइकिल उठाई, लेफ्ट पाँव आपकी बार आगे होना चाहिए, तो लेफ्ट पाँव को थोड़ा आगे ले गए, फिर रूट को सेलेक्ट किया, रूट को मैंने आगे किया, फिर लेफ्ट पाँव को सेलेक्ट करते हुए मैंने की फ्रेम, राइट को कुछ नहीं किया, लेफ्ट मूव हो रहे हैं, हाथ जो था ये वाला इसको उठा के हम थोड़ा सा आगे ले गए, ये जो हाथ था हमारा इसको हमने उठा के पीछे करा दिया, ठीक है। गर्दन जो थी बेचारे की हमने रोटेट करा के हरा, ठीक, तो वी चेंज द पोज, एस प्रेस कर दिया, ठीक, तो एनिमेशन आ गया। तो सारे बॉडी पार्ट देखो उसके ऑटोमेटिकली की फ्रेम हो गए, आपकी एनिमेशन सेट हो गई। तो इस तरह से फिर आपको एनिमेशन करना भी आसान हो जाएगा, विजुअलाइज करना भी आसान हो जाता है, और रिग मौजूद है तो वो सब चीज़ें खुद हैंडल करता है। इसमें जो थोड़ी सी चीज़ मुझे टिपिकल लगती है वो फिंगर्स का एनिमेशन। फिंगर्स के लिए एक्चुअली हम कंट्रोल्स बड़े अच्छे सेट करते हैं नॉर्मली, जो ना कस्टम रिग में आता है। यहाँ से एक तो आप रिग का कंट्रोल सेलेक्ट करने के लिए फिंगर का एरो पे क्लिक किया, एरो पे गया तो हाथ आ गया। अब ये शायद लेफ्ट है, राइट का ये आइकॉन, इस पर क्लिक किया तो राइट आ गया। हर हाथ अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हो किस हाथ पे आप जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट में गया तो ये लेफ्ट। अब इसमें एक्चुअली हर एक एक फिंगर जो है वो आप अलग से कंट्रोल करते हो और उसको मैनिपुलेट करोगे। यार इस फिंगर का पोज इधर हो,
ये जो फिंगर है किसी हद तक कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है, पर मुझे ये चीज़ जो है थोड़ा सा मज़ा नहीं करती। तो आई कैन कंट्रोल द फिंगर ओहो, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, पर अगर हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा मोशन है इस तरह से ना, तो फिर एक एक फिंगर को थोड़ा सा देखना मुझे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बट यू विल हैव टू सी केयर मुझे क्या करना है। तो फिर समटाइम्स हम फिंगर्स को ज़्यादा नहीं हिलाते, थोड़ा सा बस हल्का हल्का, ताकि वो मामूश हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा इसको सिर्फ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी ऐसे आई डोंट थिंक सो मुझे इसमें और कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये चीज़ यहाँ पर हो गई और बुरा और अच्छा ठीक। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन कर दी, मुझे पता ये चला कि यार ये जो कैरेक्टर था इसको एक्चुअली मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको एक्चुअली स्टार्ट जो था वो सीन के हिसाब से यहाँ से होना था, तो एनिमेशन हमने यहाँ से चला दी। अब क्या करें, एनिमेशन हमने कर दी, वूमन हम करते भी समटाइम्स, वॉक कराना है मैंने सिर्फ फाइल की वॉक करा दिया, फिर याद आ रहा यार ये तो थोड़ी लोकेशन चेंज होगी, इसको थोड़ा और पीछे से उठाओ, तो हर कंट्रोल के नीचे में एक सेंटर में ये डॉट दिया हुआ है। ठीक, ये डॉट एक्चुअली उसका मेन कंट्रोलर है। इस डॉट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आई कैन पोजिशन द एनीवेयर कैरेक्टर एनीवेयर, एंड नाउ इफ आई हिट प्ले तो बेसिकली वहां से चल रहा है। ठीक है, मींस अब ये वहां से चल रहा है। मैंने कहा यार ये गलत हुआ, यहां पे भी नहीं, एक्चुअली इसको इस डायरेक्शन में जाना है। मैंने प्लेबैक किया, डायरेक्शन में चला गया, पॉइंट समझ आई। तो अक्सर औकात हम क्या करते हैं, एनिमेशन इतनी सी बनाई, कैरेक्टर के ऊपर अलग अप्लाई की, फिर उसी कैरेक्टर को फ्रेम जो भी मैंने बताया ना, शॉर्ट वन यहाँ पे रखा, शॉर्ट टू में उसको उठाया, थोड़ा आगे कर दिया, फिर शॉर्ट टू में थोड़ा और आगे कर दिया, टक 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 टक, एक में मस्जिद में एंटर होते आ रहा है, फिर मस्जिद नहीं जा रहा है, वही छः कदम, चार कदम चला लो, एनिमेशन सेट बने, फिर वो मेन कंट्रोल को उठाओ आगे किस किस खाते से जाओ। हाँ, अब ये चीज़ आती है कि कैन वी ट्रांसफर एनिमेशन, एज फार एज आई एम कंसर्न यस। ठीक है, कि आपने इसके ऊपर एनिमेशन कर दी, क्योंकि एनिमेशन एक्चुअली ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं कंट्रोलर के ऊपर हो रही है। तो जब माया के हम रिग बनाते हैं तो ये सबके कंट्रोल एक जैसे ही है, बोन्स एक जैसे ही है, और बोन्स हमने उसको बता दिया कि यार इस डेफिनेशन ये है, उस बेस पे कंट्रोल्स पे जब आएंगे तो सारे सेम है। तो क्योंकि ये पूरा हायरार्की है, माया ने अपनी बनाई है कंट्रोल्स की, ठीक, कंट्रोलर रिग की जो हायरार्की है माया ने अपनी बनाई है, उसके ऊपर जो एनिमेशन है वो माया को पता है, वही चीज़ मैं किसी दूसरे के ऊपर आराम से ट्रांसफर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, कीजिएगा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करो खुद से यार, सब चीज़ें ट्रांसफर करके एक जुगाड़ लगाओगे तो कैसे डालोगा, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, ट्रांसफर बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, इस हद तक कि आप एनिमेशन की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट भी करके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया ना, इसके ऊपर जो की फ्रेम्स आ गई, तो मैंने यहाँ पे क्या शिफ्ट क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गए, राइट क्लिक करके कॉपी किसी दूसरे के ऊपर मैं पेस्ट कर सकता हूँ, एक तरीका ये होता है। अब मे भी इसमें शायद गड़बड़ हो जाए, कहीं ना कहीं अक्सर हो सकता है, कॉपी पेस्ट है ना, तो वो नोट्स को मे भी आगे पीछे कर दे, उमूमन नहीं करता पर कर भी सकता है, माया है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो फिर कुछ स्क्रिप्ट्स आती हैं, कुछ और टूल्स हैं एनिमेशन ट्रांसफर के, जो थोड़ा सा फजीलत से तरीक़ेकार से एनिमेशन की एक एक ऑब्जेक्ट की उठाते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी शायद बिल्डिंग भी मौजूद है एक आधा टूल ट्रांसफर एनिमेशन या ऐसे कुछ करके था, मैंने कहीं याद पढ़ा था, मैंने देखा है कि माया ने भी अपना भी कोई एक ऐसा दे दिया है कि यू कैन गो एंड क्रिएट। ठीक है, बहरहाल यहाँ तो ये बात क्लियर हुई, परफेक्ट। तो अब सिर्फ इसमें मैंने वही कहा कि जो मुझे चीज़ डिफिकल्ट लगती है वो हैंड की थोड़ा सा पोज है, उसको आपको देखना पड़ेगा यार हैंड पोज क्या है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है तो फिर मैं क्या करता हूँ कि इसकी अपने कंट्रोल खुद से बना लेता हूँ, जैसे हमने पहले भी फिंगर्स के कर्लिंग वगैरह किए थे, ताकि मैं बस एक आधी प्रॉपर्टी चेंज करूँ तो वो सारे खुद ही मैनिपुलेट हो जाए। वरना अगर आपके सिंपल मोशन है, ज़्यादा हाथ वगैरह नहीं हिला रहे हो, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके, थोड़ा बहुत उसको हाथ से मैन्युअली किया, एनिमेशन हमारे लिए ठीक चलो।